गड्डी काली ऐन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सना व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और भी टूर अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे हाउस टूर या कोई भी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने अपनी डेली क्लीनिंग की थी तो मुझे लगा आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ अपना किचन टूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्वियस है गैस रखा हुआ है, देन इंडक्शन है और एक प्लास्टिक का बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स जैसा, जिसमें मैंने अपने कुछ चाकू वगैरह, बेलन, कैंची, ऐसे ही जो भी डेली यूज़ का सामान होता है वही रखा हुआ है। देन उसके बाद में एक डोली रखी हुई है और एक स्टैंड रखा हुआ है जिसमें मैंने नीचे कांच के ग्लास रखे हैं, देन कप रखे हैं और ऊपर एक ऑयल का कंटेनर रखा और फिर से एक डोली रखी हुई है। मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं दिखाने की कोशिश की है, जैसे डेली रूटीन में मेरी किचन रहती है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने डेली क्लीनिंग की थी तो मुझे लगा चलो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट रैक में मैंने जो भी नमकीन बिस्किट, अब मेरा बेटा थोड़ा बहुत खाने लगा है तो उसके लिए जो भी मुझे चाहिए होता है, अलग अलग टाइप्स के बिस्किट रखे हुए हैं, कुछ नमकीन अलग अलग टाइप की रखी हुई हैं क्योंकि उसके मुंड का कुछ नहीं पता उसे कब क्या खाना है। तो बस ट्राई करने के लिए कि कौन से बिस्किट इसे अच्छे लगते हैं, क्या खाएगा, तो इसीलिए काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के बिस्किट हैं यहाँ पर, कुछ नमकीन के पैकेट हैं। तो और यहाँ पे स्नैक्स बोल लीजिए, ऐसे ही ये एक अलग जो मैंने बना रखा है जो बस आओ निकालो और खा लो। तो ऊपर भी कुछ ऐसे ही रखे हुई हैं मैगी वगैरह। तो यहाँ पे ज़्यादा डब्बे मैंने नहीं रखे हैं, यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, नमक और कुछ ऐसे ही बादाम रखे हुए हैं, ये तो बादाम भिगो कर रखे हुए हैं वो हैं, एंड एक बॉक्स में बादाम निकाले हुए हैं छोटे में, नहीं यू मैगी बनाओ चलो, छोटे मोटे मसाले हैं जैसे काली मिर्च है, राई है, मैगी खा लेना, अजवाइन है, ऐसे ही रखे हुए हैं और एक बॉक्स में आलू मैं रख दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, 2 के रख रखे हैं मैंने कुकर में, 1 मिनट लगेगा। अरे यार अभी बना ले, दो मसालेदानी है, ऐसे ही जो डेली रूटीन में मुझे काम आते हैं वही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बस इतना मेरे जो फर्स्ट रैक बोल लीजिए उसमें इतना ही सामान रखा हुआ होता है। देन उसके बाद में ऊपर स्टोरेज के लिए यहाँ पे कुछ और डब्बे रखे हुए हैं, इसमें मैंने जो भी पैकेट बच जाते हैं मसालेदानी में डालने के बाद वो रखे हुए हैं, देन चावल हैं, छोले हैं, जो भी डेली काम आते हैं वो रखा हुआ है। बाकी स्टोरेज मैं एक नीचे बड़े कंटेनर में रखती हूँ जो भी बच जाता है और जो भी एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि सारे बॉक्सेस में रखना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने डब्बे भी मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं। और इस वाले रैक में मैंने अपने सारे बड़े बर्तन रखे हुए हैं जो भी मुझे डेली में काम आते हैं, कढ़ाई हैं, पतीले हैं, कुकर हैं, तो यही सब रखे हुए हैं इस वाले रैक में। और देन उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने सारे डोंगे और छोटे फ्राई पैन हैं, एक लोटा रखा हुआ है और मशीन का जार रखा हुआ है। तो बस जो डेली में छोटे बर्तन यूज़ होते हैं, डोंगे वगैरह, छोटे फ्राई पैन वगैरह, इस तरीके से रखे हुए हैं जो मुझे एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ बर्तन वॉश करके रखे हुए हैं और ये मॉर्निंग की ही क्लीनिंग थी और यहाँ पर आलू वॉश करके रखे हुए हैं, मैंने आलू बॉयल करने थे। सो यहाँ पर एक रैक है जिसमें मैंने सारे स्पून वगैरह नीचे हैंग कर रखे हैं, गैस क्लीन की थी तो उसके वही लगा रखे हैं यहाँ पर, स्टैंड जो भी है। और बस जो डेली रूटीन में, सॉरी डेली यूज़ में काम आते हैं बर्तन वही मैंने निकाले हुए हैं क्योंकि 2 लोगों में इतने बर्तन इनफ होते हैं, बाकी सारे बर्तन मैंने अलग से रखे हुए हैं। और वहाँ बहुत सारे बर्तन मैंने टोकरे में धोकर भी रखे हुए थे सो वो भी नहीं लगाए क्योंकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं वीडियो शूट करूँगी, बस डेली क्लीनिंग की थी तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। सो ज़रूर बताना प्लीज़ गाइस कि वीडियो कैसी लगी, किचन कैसी लगी, एंड कोई सजेशंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो आई होप ऐसी है मेरी छोटी सी किचन, बहुत स्पेशियस है वैसे तो 2 लोगों के लिए, और नीचे मैंने आटे का कंटेनर और जो भी मेरे बड़े डब्बे हैं वो रखे हुए हैं।
जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो मैंने नीचे रखे हुए हैं। और काश लोग